हेलो एवरीवन, आज हम मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग को ही कंटिन्यू करते हुए एक नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हम नंबर ऑफ़ लाइंस काउंट करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ लाइंस काउंट करने के लिए हमें हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए कि हमें सबसे पहले या तो नंबर ऑफ़ जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उन्हें देखना है या वर्टिकल लाइंस है उन्हें देखना है, एंड देन यू कैन काउंट द डायगनल वंस। ओके, बाय डूइंग दिस मीन्स after getting the horizontal then vertical you can easily get the diagonal and you can get the answer from that। okay, so हम देखते हैं पहले हमारी जो figure वन है हम उसमें पहले horizontal lines देख लेते हैं कितनी है। तो आप देख सकते हैं horizontal line 1, 2 and 3। ठीक है, तो इसमें तीन है, और फिर जब हम vertical lines देखते हैं तो वो count कर लेते हैं 1, 2 and 3, and हमारी vertical lines भी यहाँ पर कितनी आ गई, 3 आ गई। then we can count the डायगनल लाइन्स। ओके, 1, 2, 3, 4, एंड हेयर वी कैन गेट द डायगनल लाइन्स, दैट इज 4। ओके, देन वी हैव टू एड दिस एंड वी गेट 10, एंड 10 इज आर आंसर। यू कैन काउंट द लाइन्स रेगुलरली ऑल्सो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 एंड दिस हॉरिजॉन्टल वन इज 10। ओके, सो आई थिंक यू गेट द आंसर। तो दूसरे पे चलते हैं, दूसरा फिगर भी हमें वैसे ही करना है। ठीक है, पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस को देखना है। ठीक है, तो अब इसका मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस आप गिनिए, इसमें कितनी है, 1, 2 एंड बीच वाली 3। ठीक है, वर्टिकल लाइंस गिनिए, 1, 2 and 3। ठीक है, और अब हम डायगनल लाइंस देख लेते हैं, तो 1, 2, 3, 4 एंड ये 5 and 6। ठीक है, तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, तो इसमें कितनी नंबर ऑफ लाइंस है, 12। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड फिगर पे चलते हैं। तो इसमें भी अगेन वैसे ही करना है आपको। ठीक है, आप पॉज करके वीडियो को खुद से करके देखिए। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको फर्स्ट में ही मुझे बता देना चाहिए था कि आप इसे 1 नहीं मानेंगे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वाली को जहाँ पे वो कट कर रही है डायगनल से, तो इसे ही आप 1 मानेंगे, इसे आप 2 मानेंगे। ठीक है, तो थर्ड में वैसे ही करना है आपको। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल वाली गिनिए, 1, 2 and बीच वाली 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आई थिंक आपको डायग्राम क्लियर नहीं है क्योंकि ये खुद बनाए हुए हैं। ठीक है, हाथ से कोई ऐसा नहीं है, कंप्यूटराइज्ड नहीं है, इसलिए थोड़े से टेढ़े मेढ़े से हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल इसमें 3 है, तो वर्टिकल गिनिए, 1, 2, 1, 2, 3, 4। ओके, तो वर्टिकल हमारे पास 4 आ जाती हैं। 1 सेकेंड, हॉरिजॉन्टल 3 थी, वर्टिकल हमारे पास 4 थी। अब हम डायगनल देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने आ गए, 4 आ गई ना। तो ये क्या थी, डायगनल लाइंस थी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इन्हें ऐड कर दीजिएगा आप, तो 11 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने कुछ और क्वेश्चंस पे, जो ये तो इजी वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जो थोड़े से सही लेवल वाले जो क्वेश्चन पेपर में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपके इनकमिंग एग्जाम्स में या आपको वहाँ दिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ लाइन्स ही आपको इसमें फाइंड करनी है। तो आप देखिएगा, 1, 2 and बीच वाला 3, तो हॉरिजॉन्टल आपके पास 3 है, वर्टिकल आपके पास भी 3 है। ठीक है, आप खुद से करके देखिए इसे, और डायगनल वाली देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो 6 आपके पास ये हो गई, तो टोटल कितनी हो गई, आप इन्हें ऐड कर लीजिए, 6 + 3 + 3 = 12। ओके, और अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये थोड़ी सी लाइन्स इसमें सही नहीं बनी हुई है, और आप इसे सही मार्क मतलब समझ लीजिएगा, ये एकदम से सही मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस है आई थिंक। ठीक है, तो ये वाला जो है इसमें आप हॉरिजॉन्टल लाइंस देखिएगा कितनी है, 1, 2, 3 and 4। H इज़ इक्वल टू 4, V इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। ओके, 5, एंड डायगनल लाइंस आ 1, 2, 3,
4, 5, okay, 6, 7 and 8. ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गए, 17. टोटल कर लीजिए इसे, तो ये आपके पास 17 बन जाएंगे. ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. कोई लाइन नहीं भी क्लियर हो रही है तो आप इसे अपनी कॉपी पे बना के देखिए इस डायग्राम को, और ख़ुद से करके देखिए. ठीक है, तो आगे चलते हैं. इस फिगर में बताना है हमें कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं. ठीक है, तो वही अप्रोच रहेगी कि हॉरिजॉन्टल को हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 4, और इसमें वर्टिकल लाइंस तो आपको नहीं दिख रही होंगी. अब हम इसमें डायगोनल लाइंस देख लेते हैं. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल हमारे पास कितनी थी, 4. तो अब डायगोनल्स देखिए, 1, 2, ये सारी एक ही है. ठीक है, 2, 3, 4, तो अगर हम ये वाला लेंगे तो 4 आ रही है, और वैसे ही सिमिलरली 1, 2, 3 and 4, तो ये हमारे पास कितनी आ रही है, 4. तो 4 और 4, 8, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. तो जब आप इन्हें ये डायगोनल वाली थी ऐड करेंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा. तो यही आंसर है इसका. ठीक है, तो आई थिंक आपको नंबर ऑफ लाइंस वाला जो है वो कंसेप्ट समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ ट्राइंगल बेस. ठीक है, और देन हम स्क्वेयर बेस देखेंगे, जिसमें नंबर ऑफ स्क्वेयर्स या फिर रेक्टेंगल्स भी आएंगे. ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. कीप वॉचिंग माई वीडियोज़. थैंक यू.